ओके, लास्ट टाइम एक ऑब्जेक्टिव शीट कर रहे थे, उस ऑब्जेक्टिव शीट कर ले, स्टार्ट कर ले। चलो, रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक चल रहा है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर शायद मुझे पता नहीं, शायद 12 चल रही थी। रिलेटिव वेलोसिटी की उस शीट से पहले मैं आपको एक दो जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटिव वेलोसिटी के टिपिकल और करवाना चाहता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूं, जरूरत नहीं है वैसे तो, कि जब हम लिखते हैं वी बी ए वेक्टर तो इसका मतलब होता है वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। मैंने आपको बताया कि माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, हमने यूज भी किया इसे, पर ये रिजल्ट कहां से आया मैं इसका जस्ट ऑप्शनल प्रूफ बता रहा हूँ, आपसे कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये आता कहाँ से। तो इसके लिए लेट अस सपोज ये एक्स वाई प्लेन है और मान लो एक बॉडी ए पॉइंट पे है, सच दैट इसका पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर है, और कुछ देर के बाद बॉडी कहाँ पर आ गई, बी वेक्टर पर, जिसका पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर है, और बॉडी एक्चुअल में कहाँ से कहाँ गई, ए से लेके बी तक, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज कितने हैं, एक्स वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो दिस इज आर ए वेक्टर, दिस इज आर बी वेक्टर, दिस इज एक्स वेक्टर। तो यहां पर ये एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, इसमें रिजल्टेंट कौन है, आर बी वेक्टर इज एक्स वेक्टर प्लस आर ए वेक्टर, तो एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, राइट। मान लो ये x वेक्टर का नाम मैं चेंज कर रहा हूं, x वेक्टर का नाम है r ऑफ बी ए वेक्टर, तो मैं x वेक्टर की जगह पुट करता हूं r ऑफ बी ए वेक्टर, विच इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैंने नाम दिया है इसका r बी ए वेक्टर, इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, क्योंकि पोजीशंस चेंज हो रही हैं जैसे जैसे बॉडी ए पे ए से बी पे जा रहे हैं। अगर हम दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करें तो दिस इज आर ऑफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ बी वेक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ ए वेक्टर, राइट। ये वैल्यू है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, वी बी वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की जो डिफरेंशिएशन है वो वेलोसिटी वेक्टर है, और ये क्या आएगा, वी ए वेक्टर, और इसको सॉल्व करेंगे तो वी ऑफ बी ए वेक्टर। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, जस्ट ऑप्शनल प्रूफ है कि अगर एक्चुअल में पोजीशंस चेंज होती हैं और पोजीशंस चेंज होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है और डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। तो लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक?
संडे को टेस्ट है वेक्टर्स का, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी, और क्या आएगा, वेक्टर अलजेब्रा आएगा, आई कैप जे कैप में ज़्यादातर क्वेश्चंस होंगे, पैलोग्राम पे होंगे, वेक्टर के कंपोनेंट्स पे होंगे, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, बस इतना ही रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, इस टाइप की प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ पैलोग्राम निकाल लो, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव के अंदर स्टेट एंड प्रूव आना है, वो तो मैंने बता ही दिया था, वो तो पक्का ही आएगा, वो तो मैंने लिखवा के देखना ही देखना है, उसमें और कुछ है ही नहीं पूछने वाला, ठीक, स्टेट एंड प्रूव, ट्राइंगल एंड पैलोग्राम लो, ये आएगा, ठीक है। वेकेशंस, आई लास्ट लेक्चर है छुट्टियों से पहले, 18 तारीख इंक्लूडेड मंडे से लेके 28th इंक्लूडेड, 28, 29th को आपने क्लास में आना है, फ्राइडे है 29, 29th को फ्राइडे मैं रिवर क्रॉसिंग करवाऊंगा उस दिन, आज नहीं मैं करवा रहा क्योंकि रिवर क्रॉसिंग आती नहीं है ज़्यादा, मतलब सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और कुछ खास नहीं है, तो बेसिकली इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर कोई पहुँच गया तो भी अच्छी बात, नहीं पहुँचा तो वो रिकॉर्डिंग में उसको कवर कर लेगा, उसका लॉस नहीं होगा ज़्यादा, राइट। तो वैसे नॉर्मली हर स्टूडेंट आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, बाकी क्लास भी स्टार्ट हो रही होंगी, तो रिवर क्रॉसिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटिव वेलोसिटी और क्लियर होती है, तो मैं करवाऊंगा उस दिन, राइट। मतलब मैं नया टॉपिक नहीं करवा रहा उस दिन, नया टॉपिक फिर मैं उसके अगले हफ्ते ही प्रोजेक्टाइल शुरू करवाऊंगा, ठीक। और इससे पहले भी और एक दो चीज़ें बता दूं मैं, उनसे जरा बाहर रिसेप्शन पे क्या ना पासवर्ड देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड, मैं बताता हूँ कि वो क्यों दे रहा हूँ मैं आपको यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ तक क्लियर है पहले, ठीक है। जितनी देर वो यूज़र नेम पासवर्ड आता है, क्वेश्चन करना प्लीज़। सपोज आपके पास एक कार गिवन है, कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आर, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आर टूवर्ड्स ईस्ट गिवन है, एंड वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, 40√3 किलोमीटर पर आर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस, ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ बस निकालनी है बस, ना 80 देखता हूं, गौरव लटवाल, हर्षित गुप्ता, पलक दूसरे बैच में थी, ओके। वेबसाइट आर्यन गोयल तो नहीं, आर्यन गोयल नहीं, ठीक है, एक वेबसाइट असाइनमेंट के नीचे लिखी हुई है www.physicsconcepts.in, नीचे असाइनमेंट के नीचे देखो लिखी हुई है ना, मोबाइल पे नहीं खोलना, कंप्यूटर पे खोलना, जब भी खोलोगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि वेबसाइट जब ओपन होगी उसके बिल्कुल राइट साइड पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड्स, डाउनलोड क्लिक करके वो यूज़र नेम मांगेगा, कॉन्सेप्ट्स सी छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स -1648- जरूर पुट करना, नहीं तो ओपन नहीं होगी, अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है, कॉन्सेप्ट्स -1648, और जो पासवर्ड है इसका 21056 9, इसका पासवर्ड है 21056 9, ठीक। ये किस लिए, जो शीट्स हम कर रहे हैं इन फ्यूचर भी जितने भी टेस्ट होंगे
उसके संडे को नोटिस बोर्ड पे लगते हैं सॉल्यूशंस। अब वो नोटिस बोर्ड पे नहीं, लगेंगे लगेंगे वेबसाइट पे, आपको ये यूजर नेम पुट करके उसके सॉल्यूशन दिख जाएंगे। जब संडे को टेस्ट होते हैं तो जैसे 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, आपको अपनी गलतियां चेक करनी आफ्टर ओएमआर, तो आप नोटिस बोर्ड पे चेक करते हो सॉल्यूशन, तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ खड़ने की। आप इस वो ओपन करोगे, आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, तो जो भी आपकी गलतियां हैं उसको आप चेक कर सकते हो। नंबर वन। नंबर टू, जो शीट्स पेंडिंग रह गई वेक्टर्स की, आप घर में ट्राई करना चाहते हो तो वो अपलोड हो जाएंगी शीट विद सॉल्यूशन, तो मेरी हैंड राइटिंग में ही होगा, इतना समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया हुआ है, तो आप इन फ्यूचर भी उसको आप देख सकते हो। सारी शीट्स नहीं अपलोड होंगी, लेकिन अगर आप कहोगे कि सर ये शीट को अपलोड कर देंगे, मान लो कोई क्लास में जैसे मोशन 1D की एक शीट पेंडिंग है हमारी, एक रह गई थी वो, हाँ पूरी शीट मैंने डिस्कस नहीं की थी, मैं वो भी अपलोड करके जाऊंगा, मैं वेक्टर की जो पेंडिंग शीट्स हैं इसके सोल्यूशन भी अपलोड करूंगा, ठीक, दो, ताकि आप छुट्टियों के अंदर जब प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट आप देख सको। या संडे का टेस्ट है, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इसे, तो आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हो उसमें से, ठीक। पहला पॉइंट, इन फ्यूचर भी काम आएगी ये, टेस्ट के सोल्यूशन सारे मिलेंगे, और जो भी असाइनमेंट बोलोगे कि ये असाइनमेंट में, ये लंबी असाइनमेंट हम नोट नहीं कर पाए कोई कहता है, तो एटलीस्ट मुझे बोलोगे या SMS ड्रॉप करोगे तो मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक। नंबर टू, एक वेबसाइट है scoreahead.com, scoreahead.com, इस पे बेसिकली क्या होगा, जो भी जैसे लास्ट ईयर हमने क्या किया था, सितंबर का एग्जाम है और कोर्स कितना आ रहा है, जितना अप्रैल से लेके सितंबर अगस्त तक हुआ हमारा, काफ़ी कोर्स हो जाएगा। अब उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, सब्जेक्टिव भी करते हैं, NCERT सब कुछ बीच में करते हैं, लेकिन स्कूल के एग्जाम से पहले सिर्फ NCERT ही आएगी, तो आपको रिवाइज करना है, मान लो आपको एरर्स रिवाइज करना है, तो 30 मिनट्स में उस पर रिवाइज करवाया गया एरर्स में, बस 30 मिनट में, ओनली NCERT बस। ऐसी मान लो आपको रिवाइज करना है फोर्स का चैप्टर, वैसे तो 15 दिन का है, पर उसको 1 घंटे में रिवाइज करवाया गया ओनली फॉर NCERT। वो इसलिए है कि स्कूल के एग्जाम से जाने से पहले अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, एटलीस्ट वो उस पर वीडियोज हैं, सारी मेरी वीडियोज हैं जो मैंने क्लास की वीडियो अपलोड की हुई हैं, सिर्फ NCERT की ही हैं, तो अगर कोई चाहे तो उसको जस्ट रिविजन की फॉर्म में पेपर से पहले देख सकता है। इवन कोशिश करूंगा वैक्टर की जो शीट्स बच गई मैं उसको अपलोड कर दूंगा एज अ सोल्यूशंस, उसमें पूरा वीडियो चलेगा जैसे हम नॉर्मल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पूरा। तो आप छुट्टियों में अगर काम कर रहे हो, अब लैब में अगर एक शीट के लिए क्या हो गए, तो मैं वो शीट्स जो पेंडिंग शीट है वेक्टर्स की वीडियोस को मैं अपलोड कर दूंगा, छुट्टियों में टाइम लगेगा तो उस पर जाके आप देख सकते हो। उसमें कोर्स बने होंगे, उसका यूजर नेम खुद ही चूज करना है आपने, उसमें रजिस्ट्रेशन करनी होगी आपको, रजिस्ट्रेशन में आपसे वो नाम जो भी पूछेगा उसमें कोर्स आएगा, उसमें ऑलरेडी कई कोर्स बने होंगे, उसमें कोर्स बनाऊंगा 2018+1 करके, आपको पता लग जाएगा कि आपका कोर्स है, क्योंकि लास्ट ईयर के कोर्सेज बने होंगे तो 2017 के 16 के जो भी होगा, तो जो आपका कोर्स होगा उस आप इसी में एनरोल्ड कर लेना, उसमें जाओगे उसमें भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो इसमें ही रहेंगी, और जो भी वीडियो अपलोड होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा बाकायदा कि वीडियो अपलोड हो गया है, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक। तो इससे टाइम बचेगा और मोर ओवर जो शीट अगर डिस्कस नहीं भी हो रही तो एटलीस्ट उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी आपके पास, ठीक। ड्यू टू टाइम, देखो प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है, अंत नहीं है नॉन मेडिकल का, वेक्टर चलाओ तो 6 महीने चला लो कोई फर्क ही नहीं, वेक्टर ही वेक्टर है, क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस करते जाओ, कहीं तो एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। और मोर ओवर जो एक दो शीट्स और भी हैं ऑब्जेक्टिव मेरे पास पड़ी हुई, मैंने आपको 2 कम दी हैं, तो मैं वो भी फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें देखनी होगी वहीं से आप देख लेना, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा बकायदा व्हाट्सएप पे SMS के थ्रू कि मैंने अपलोड कर दिया, आप चाहो तो देख लेना, ठीक, आपको इसमें मिलता रहेगा, ठीक। तो मैं छुट्टियों का इंतजाम करके जा रहा हूँ कि आपने मनानी कैसे है, मनाना भी तो है, सोचो कि क्या करूंगा, तो जो कुछ नहीं करेगा। और लैब का टाइमिंग, हाँ लैब का टाइमिंग अभी हमने वो बनाया है, 4 बंदे हैं स्टाफ में, वो ऑन रोटेशन ड्यूटी पे होंगे, यहाँ पे सुबह 10 से लेके 4 बजे तक लैब का टाइम ओपन करने का रखा है, शाम को किसी किसी दिन ऑन है किसी किसी दिन नहीं ऑन, शाम को तो 3 दिन ऑन रहेगी ये शाम को 8 बजे तक, और बाकी डेज 10 से 4 बजे तक ही है। जिसने सुनने आना है कोई लेक्चर तो प्लीज़ फ़ोन करके आएगा लैंडलाइन पे, लैंडलाइन नंबर 0172-505-4848, असाइनमेंट के नीचे लिखा हुआ है, ठीक। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लस टू के बच्चे भी आएंगे फ्री हैं, प्लस वन के बच्चे भी आएंगे, तो कभी कभी मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, सिस्टम ना मिले, इनकन्वीनियंस है यार, वो बेचारे कहाँ से सिस्टम लगाएंगे इतने, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कब इसका लेक्चर पूरा हो, तो इट्स बेटर कि आप घर से चले, लैंडलाइन पर बस ये बोल दें कि मैं इतने बजे आऊँगा, आधे घंटे पहले, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा सिस्टम रिजर्व कर देना, बस वो आपसे नाम पूछेंगे, आपका सिस्टम रिजर्व हो जाएगा।
ताकि जिसकी पहले बुकिंग होगी कितने से कितने आ रहा हूँ वो बता देना, ताकि हम किसी और स्टूडेंट को देंगे ही नहीं फिर वो बुकिंग। ठीक, तो लैब ओपन है, आप चाहो तो अगले चैप्टर्स प्रोजेक्टाइल फोर्स फ्रिक्शन जो चाहो आप कर सकते हो। आने वाले 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, पूरे साल का कोर्स, आप जो मर्जी कर लो, आपका दम है आप कितना खींच सकते हो। पर याद रखना, जो जितना करेगा वो उतना गेन करेगा, वो लॉस में नहीं होगा कभी भी। लॉस में बाद वाला स्टूडेंट हो सकता है, जिसने पहले कर लिया वो कभी लॉस में नहीं हो सकता, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट होगा। ठीक, तो बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, मनाओ छुट्टियां, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, चलो तो मैं भूल ना जाऊं, मैंने पहले बता दिया आपको सारा, फिर अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि वेलोसिटी, देखो पहले हम एक काम करते हैं, हम इसमें ये ईस्ट है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ सी, तो कार की वेलोसिटी इसमें वी ऑफ सी। ठीक, तो कहां है, टुवर्ड्स ईस्ट है। नेक्स्ट नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ क्या है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वी ऑफ बी सी। ठीक है यहां तक, तो वो नॉर्थ की तरफ है। वी बी सी क्या होता है, वी ऑफ बी सी इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर। राइट, मतलब वी ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी सी वेक्टर। अब इसका मतलब ये डायगोनल बनेगा, और किसका, एक पैरेललोग्राम का, और जिसमें दो वेक्टर होंगे एक वी बी और एक माइनस वी सी। वी सी तो है पर मुझे क्या चाहिए, माइनस, ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक। और वी सी की वैल्यू कितनी है इसमें 40, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 40, वी बी सी की वैल्यू कितनी है इसमें 40√3। राइट, अब एक वेक्टर ये हो गया, ये रहा डायगोनल, ये हो गया, तो पक्की बात है दूसरा वेक्टर जो होगा वो वी ऑफ बी वेक्टर यहां होगा, सो दैट वी बी वेक्टर और वी माइनस वी सी का जो रिजल्टेंट डायगोनल होगा वो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, सच दैट ये रहा वी बी वेक्टर और ये रहा आपका माइनस वी सी वेक्टर, बन गया पैरेललोग्राम। तो आप चेक कर सकते हो ये रिजल्टेंट हो गया किसका, वी बी का और माइनस वी सी का। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में, और समझ में आ रहा है यहां तक। तो इट मींस अगर ये 40√3 है, अगर ये 40√3 है और अगर ये कितना है 40, तो ये भी कितना है 40, देखो 40 40 साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40√3 का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा 80 किलोमीटर। तो लो बस ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें बताता हूं, यहां तक क्लियर है पहले तो। अच्छा, क्योंकि वी बी वेक्टर पूछा, आपने सिर्फ क्या बताई वैल्यू, तो एंगल निकालना जरूरी है, क्यों, क्योंकि मैंने वेक्टर पूछा तो आप एंगल भी निकाल लोगे। तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू टैन थीटा दिस 40 डिवाइडेड बाय 40√3, तो 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30° विद नॉर्थ ईस्ट। पॉइंट समझ में आया, लेकिन कैसे करना है इसे, ये तो रेन एंड मैन वाली प्रॉब्लम ही तो है बिल्कुल। वी आर एम होता है इसमें, वी बी सी है। ठीक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है पहले ये बताओ। हाँ जी, ठीक। अच्छा, अब एक बहुत टिपिकल और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो करने जा रहे हैं, घर में है।
ओके देखो देखो ये प्रॉब्लम क्लियर है। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, और इसका आंसर रादर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करेगी जो मुझे लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इसके लिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन इज कि सपोज देयर इज अ ट्री एक पेड़ है, देयर इज अ बॉय 16 मीटर्स पर सेकंड से भागता हुआ आगे जा रहा है, देयर इज अ मैन ठीक जो 2 मीटर पर सेकंड के साथ लेफ्ट की तरफ भागता हुआ जा रहा है, देयर इज अ बर्ड सीधा नहीं उड़ रहा इस डायरेक्शन में उड़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये बनाओ फिर क्वेश्चन पूछता हूं। क्या हाँ cos 37 ये याद रखने cos of 37 जो होता है दैट इज 4/5 और sin of 37 की वैल्यू क्या होगी इसमें 3/5। ठीक यहां तक कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है राइट। अब बड़े ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन है क्या। ये तो जस्ट सिचुएशन गिवन है, ये सिचुएशन चल रही थी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्री, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्री बर्ड एंड मैन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्री बर्ड एंड मैन एज सीन बाय बॉय। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्री बर्ड एंड मैन एज सीन बाय बॉय। अच्छा बताता हूं एक मिनट, पहले क्वेश्चन है क्या, सारे आंसर कौन देगा? बॉय देगा, हम नहीं देंगे। क्यों हम नहीं देंगे? क्योंकि हम तो ग्राउंड पे रेस्ट पे हैं, बॉय भाग रहा है, तो आपको बॉय के अंदर जाना पड़ेगा और भाग के इमेजिन करके देना पड़ेगा आंसर क्या है राइट। तो बॉय यानी कि सारे आंसर विद रिस्पेक्ट टू बॉय। जैसे पहला आंसर उसका होगा, वो किसकी स्पीड निकालना चाहेगा? ट्री की विद रिस्पेक्ट टू वी टी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय। पॉइंट समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? हम वेलोसिटी तो ट्री की निकाल रहे हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। अच्छा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। जो भी कोई आंसर देगा, जैसे बॉय आंसर देगा, तो वो ये मानेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं। जैसे मैं इजी एग्जाम्पल लेता हूं, एक कार जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आर, मैं जा रहा हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आर उसके पीछे पीछे। मेरे से किसी ने यह पूछा कि बताओ कार की स्पीड कितनी है, तो मैंने क्या बोला? 40, जबकि कार की स्पीड एक्चुअल कितनी थी? 50, मेरी कितनी थी? 10, तो मैंने क्या बोला? आंसर इज 40, क्योंकि मैंने अपने आप को क्या मान लिया? एट रेस्ट, रेस्ट माना और मैंने कहा उसकी स्पीड तो 40 है। अच्छा फिर देखते हैं, कार की स्पीड थी 60, मेरी भी स्पीड थी 60, तो मेरे को क्या लगा कि कार की स्पीड क्या है? 0। क्यों? क्योंकि मैं क्या मान रहा हूं, मैं तो रेस्ट पे हूं और मेरे हिसाब से वो कार भी रेस्ट पे। आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो दोनों की वेलोसिटी को माइनस करके? तो कार की स्पीड अगर 60 है और मेरी स्पीड अगर 10 है, तो मैं ये मान लेता हूं कि मैं 60 में से 10 को माइनस करता हूं। माइनस करने का मतलब ये होता है ये मानना कि मैं अपनी वेलोसिटी को घटा रहा हूं, घटाने का मतलब कि ये मानना कि मैं तो किस पे हूं? एट रेस्ट। भाई रेस्ट पे हूं तभी तो माइनस कर रहा हूं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर सपोज करो एक कार जा रही है विद अ स्पीड ऑफ
मान लो 50 किलोमीटर पर आर उस तरफ और मैं जा रहा हूं विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आर इस तरफ। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो रेस्ट पे हूं और मैं क्या बोलूंगा कि मुझे लगता है कि वो कार बहुत स्पीड से जा रही है विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आर। ध्यान से, मैं जा रहा हूं विद द स्पीड ऑफ 50, वो जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 50, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूं और वो कार बहुत तेज सेपरेट होती हुई जा रही है पीछे की तरफ विद द स्पीड ऑफ 50, नहीं विद द स्पीड ऑफ 100, क्योंकि मैं एक्चुअल में तो मोशन में हूं, पर मैं ये मान के अपना आंसर देता हूं कि मैं किस पे हूं, एट रेस्ट हूं। समझ में आ रहा है यहां तक? तो जो भी बंदा रिलेटिव वेलोसिटी में आंसर देगा वो क्या मानेगा कि मैं किस पे हूं, एट रेस्ट हूं, ठीक। बस वो दूसरे बंदे को ही चलता हुआ देखेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो और आज भी करते हो। देखो, मैं कार में जा रहा हूं और मेरे से किसी ने ये पूछा कि बाहर पेड़ दिख रहे हैं क्रॉस करते हुए। मैं कहा हाँ, देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं। हाईवे पे जाते हैं हम कहते हैं गाड़ियां पीछे जा रही हैं जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, हम कहते हैं पेड़ पीछे जा रहे हैं, बिल्डिंग पीछे रह गई। हम तो बोलते नहीं कि हम आगे आ गए, वो बिल्डिंग ढूंढ रहे थे, वो बिल्डिंग आए, वो तो पीछे रह गई। क्यों? हम क्या मानते हैं, हम खुद रेस्ट, हम तो कार में बैठे हैं और कौन चल रहा है, बिल्डिंग चल रही है पीछे की तरफ। यही रिलेटिव वेलोसिटी है। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? और हम डेली रूटीन में यही यूज करते हैं वर्ड्स। अब वही तो वो मैं वो ये बॉय भी तो यही बोल रहा है। अब बॉय हमें लग रहा है कि भाग रहा है, बॉय के अंदर जाओगे उसको लग रहा है वो तो रेस्ट पे है, उसको लग रहा है कि पेड़ पीछे होता जा रहा है। वो कहेगा पेड़ पीछे रह गया, वो ये नहीं कहेगा मैं पेड़ से आगे भाग गया। कह रहा है जब मैं भाग रहा हूं तो पेड़ पीछे होता जा रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या मान रहा है, मैं तो रेस्ट पे हूं और उसको क्या लग रहा है कि पेड़ पीछे जा रहा है। तो बताओ फिर अपना आंसर क्या देगा, उसको क्या लगेगा पेड़ कितनी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है? माइनस, वो खुद आई कैप में जा रहा है एक्स एक्सिस में, पेड़ पीछे का मतलब नेगेटिव एक्स। समझ में आया आंसर कैसे लिखना है? लेकिन ये मानते हुए कि वो पर्सन किस पे है, एट रेस्ट, तो उसको पेड़ चलता हुआ दिखाई देगा, उसको खुद चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? हम उल्टा ऑब्जर्व करते हैं, हम दूर से कहते हैं बॉय भाग रहा है, पेड़ रेस्ट पे है, लेकिन वो कहेगा पेड़ पीछे जा रहा है, मैं रेस्ट पे हूं। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे ख्याल से एग्जांपल एकदम बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये शो करने के लिए कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या चीज। कोई डाउट इसमें? कोई और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अब उसको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। चलो ठीक, मैन को देख रहा है 18, उसको उसको ये लग रहा है कि मैं तो खड़ा हूं, मैं तो खड़ा हूं, उसको लग रहा है यार ये मैन बहुत तेजी से मेरे पास आ रहा है। एक्चुअल में तो वो चल रहा है और मैन उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो ये कहेगा मैं तो खड़ा हूं और मुझे लग रहा है मैन बहुत तेजी से मेरे पास आ रहा है। और कितनी स्पीड से आ रहा है? 18, वो ऐड करके बता रहा है। और किस तरफ? माइनस, मैन मेरी तरफ आ रहा है, इस तरफ का मतलब माइनस आई कैप। पॉइंट समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन में क्या असम्पशन है कि जो बंदा आंसर दे रहा है वो किस पे, एट। इसका मतलब जब हम रेन एंड मैन करते थे, वीआरएम कब यूज करते थे, जब मैन चलता था और मैन आंसर देता था कि मेरे को लगता है कि रेन गिर रही है, ये मानते हुए कि मैं तो रेस्ट पे हूं, तो उसको टेढ़ी रेन दिखती थी हमेशा, चाहे वो सीधी गिर रही हो, क्योंकि वो तो मानता ही था कि मैं चल रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये था कि वो चलता था, इसलिए रेन उसको गलत दिखती थी। पर उसको क्या लेना देना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलती है कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है तो मैन किस पे, एट रेस्ट, चाहे मैन एक्चुअल में चलता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? तो ये आंसर भी क्लियर है। अब बर्ड की बात करते हैं। देखो बर्ड में, हाँ, बर्ड के हम कॉम्पोनेंट्स लेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। पहले पहले इसका एक कॉम्पोनेंट निकालेंगे, बोलो कितना, 20 इंटू कॉस ऑफ 37, 20 इंटू कॉस 37 इज 4/5, आंसर कितना आएगा 16 मीटर्स पर सेकेंड। उसी तरीके से 20 इंटू साइन ऑफ कितना 37, 20 इंटू 3/5 कितना आएगा इसमें 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स एक्सिस में 16 और वाई एक्सिस में 12। लिख लो, पहले एक मिनट बना लो, एक मिनट फिर मैं करता हूं।
हाँ जी ठीक, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक, तो मैं इसे प्लीज मिटा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कंपोनेंट से काम करूँगा, मैं इससे काम नहीं करूँगा, तो मेरे को ये नहीं चाहिए। जो बर्ड है, मेरे हिसाब से बर्ड जो है वो ऐसे टेढ़ी उड़ रही है, यानी कि वो एक्स के अलोंग भी जा रही है और वो वाई के अलोंग भी जा रही है। तो बर्ड टेढ़ी उड़ने का मतलब वो एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है। तो एक्स में कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 16, और ऊपर कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 12। करें स्टार्ट क्वेश्चन अभिषेक। ठीक, तो देखो अब इसके दो आंसर देगा ये बॉय। ये वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना चाहता है? बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय। लेकिन पहले अपना आंसर किस एक्सिस के अलोंग देगा? एक्स। फिर वो क्या निकालेगा? वेलोसिटी ऑफ बर्ड और विद रिस्पेक्ट टू बॉय, लेकिन किस एक्सिस के अलोंग? तो वो दो आंसर देगा। ठीक, देख लो कैसे। पहले वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग काम करेगा, उसको वेलोसिटी एक्स के अलोंग कितनी दिखाई दे रही है? 16। इसको छोड़ दो, एक्स का आंसर एक्स में, वाई का आंसर वाई में। तो एक्सिस के अलोंग बर्ड आगे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 16, बॉय भी कहां जा रहा है? विद वेलोसिटी ऑफ 16। अब अगर जो बर्ड है 16 की वेलोसिटी नीचे, बॉय भी 16, तो उसको ऐसा लगेगा कि बर्ड किस पे है, लेकिन वो ये मान के आंसर दे रहा है कि मैं खुद रेस्ट पे ही हूं, उसको लग रहा है कि वो बर्ड भी रेस्ट पे है। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? 0। समझ में आ रहा है यहां तक? दोनों 16-16 के साथ चलेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अब आंसर वाई, अब एक्स को भूल जाओ, अब आंसर में सिर्फ क्या देखना है, वेलोसिटी क्या देखनी है? 12। मैन उड़ रहा है? नहीं। बॉय उड़ रहा है? नहीं उड़ रहा। तो इसकी खुद की वेलोसिटी वाई की 0। बर्ड उसको उड़ता हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12, तो उसका आंसर सिंपली कितना होगा? 12। और किस एक्सिस के अलोंग? अलोंग जे का वाई एक्सिस। पॉइंट समझ में आया? देखो वो बंदा तो ऊपर नहीं जा रहा ना, वाई एक्सिस में उस बॉय की मोशन 0 है ना, तो वाई एक्सिस में तो वो उड़ ही नहीं रहा वो तो। अब एक्स को छोड़ दो, आगे 16 से जा रहा है, उससे लेना देना नहीं है। अब वो ये देख रहा है कि बर्ड कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है? 12। अच्छा, अगर मैन भी उड़ रहा होता 12 ऊपर और बर्ड भी 12, तो उसको बर्ड किस पे दिखाई देता? एट रेस्ट, राइट। मैन तो उड़ नहीं रहा, मैन तो वहीं पर है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 है, सिर्फ बर्ड उड़ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12, तो क्या आएगा आंसर? 12। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो आंसर इज 12, चेक है, दैट्स इट। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, अब मैन से पूछते हैं कि उसका इसको क्या दिखता है। अब आंसर, ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन अलोंग वाई एक्सिस। अब मैन आंसर देगा, मैन क्या मानेगा कि मैं किस पे हूं एट? उसको जब दुनिया ही चलती हुई नजर आएगी, वो खुद अपने आप को रेस्ट भी बताएगा। अब देखो, उससे पूछा तेरे को पेड़ चलता हुआ दिख रहा है? कह रहा है हाँ, मैं तो चल नहीं रहा, पेड़ चल रहा है। तो उसको क्या लगेगा, ट्री कैसे चल रहा है? वो खुद तो खड़ा है, इमेजिन करो, और उसको क्या लगेगा कि उसे लग रहा है कि पेड़ उसके पास आ रहा है। वो ये नहीं कहेगा मैं भाग के जा रहा हूं, हम कार में जा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, मुझे लग रहा है वो बिल्डिंग पास आ रही है, मैं जा तो अब जा रहा हूँ, हाईवे पे जा रहा हूँ, वो देखो वो सामने रेस्टोरेंट आ रहा है, मुझे खाना खाना है, वो देखो पास आ रहा है, 50 किलोमीटर रह गया। 50 किलोमीटर वो थोड़ी ना रह गया, 50 किलोमीटर तो मेरी कार का डिस्टेंस रह गया, इतना लंबा थोड़ा ना बोलते हैं। हम कहते हैं वो जो डेस्टिनेशन है बस 50 ही तो रह गई, 40 तो रह गई, बस आ गई दिल्ली, आ गई दिल्ली, थोड़ी ना आ गई, मैं दिल्ली में चला गया। ऐसे होता है जब शताब्दी आती है, वो रुकने वाली होती है, ऐसे बोलते हैं, बस अब तो सामने आ गई, वो नहीं आ रही, ठीक हम जा रहे हैं, लेकिन बोलते उल्टा है। हम ये मानते हैं हम किस में एट रेस्ट हैं, तो वहां से ट्री चल रहा है, ट्री पास आ रहा है, तो ट्री कहां आएगा उसकी तरफ से? राइट। तो आंसर क्या होगा इसमें? टू। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट बॉय, अब हाँ 18। अब लेकिन वो ये नहीं कहेगा मैं बॉय के पास जा रहा हूं, वो कहेगा बॉय मुझे लग रहा है बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है, तो 18 आएगा आप सही, राइट। नेक्स्ट इज जो बर्ड, ओके अब इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है? 2, और बर्ड किस तरफ आ रहा है? 16। उसको ये लग रहा है मैं तो रेस्ट पे हूं,
पर बर्ड बहुत तेजी से एक्स में मेरी तरफ आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18, तो किस तरफ? राइट की तरफ, 18 आई कैप, राइट। और लास्ट, क्योंकि वो मैन भी उड़ तो रहा नहीं है, उसको बर्ड ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा, 12। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। और ये क्या, हाँ, निकालने के लिए ऐड करनी पड़ेगी, फिर वो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इनको मिलाना पड़ेगा, ऐड कर दो 18 का कोफिशिएंट का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, फिर आंसर बर्ड का आ जाएगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकलेगी तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू निकलेगी वो किस पे पड़ा होगा? हमेशा एट रेस्ट। समझ में आ रहा है यहां तक? निश्चित डाउट है? डाउट है किसी क्वेश्चन में? बर्ड वाले में देखो, जब बर्ड का क्वेश्चन है वो 2D का है बेसिकली, बर्ड की मोशन टेढ़ी है एक्चुअल में, पर हम लेते हैं उसको ऐसे और ऐसे। तो एक बार लेते हैं, मान लो बर्ड ऐसे ही चल रहा है और दूसरी बार सिर्फ ऐसे और चल रहा है। जब वो ऐसे चल रहा है 16 के साथ, मैन आ रहा है 2 के साथ, तो मैन तो रेस्ट पे मानना है, तो उसको लगेगा कि बर्ड बहुत तेजी से पास आ रहा है 18 के साथ, अपनी वेलोसिटी में ऐड करके बताएगा वो। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिखो, बॉय। अच्छा, अब बर्ड आंसर दे। अच्छा चलो, वो कह रही है बर्ड से भी पूछ लो उसको क्या लगता है, अब दिखाता हूं बर्ड को क्या लगता है। चलो बर्ड का आंसर दे लेते हैं। ओके, ये देखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ट्री, वो बर्ड सोचो ट्री को देख रही है, ट्री को देखती है विद रिस्पेक्ट टू कौन आंसर देगा? बर्ड। लेकिन क्योंकि वो खुद बेचारी 2D में जा रही है, तो वो दो आंसर देगी कि ट्री मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, तो वो अपना ट्री का आंसर एक तो एक्स में देगी और एक वाई में अलग अलग देगी। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं, हाँ लेके जा सकते हैं, क्या जरूरत पड़ी है यार, एक कंपोनेंट ठीक है, एक ही स्टाइल ठीक है। देखो, बर्ड एक्स में कहाँ जा रही है? 16, ठीक है, बर्ड 16 एक्स में, और ट्री को वो क्या कहेगी? अब आपने 16 में जब काम करना है एक्स में, तो वाई को नहीं देखना, फिर भूल जाना है वाई कुछ नहीं है, और जब वाई में काम करना है तो एक्स को भूल जाना है। तो बर्ड 16 के साथ इधर जा रही है, वो क्या कहेगी? मुझे लग रहा है कि ट्री पीछे जा रहा है, ट्री पीछे छूट गया, ट्री पीछे जा रहा है। ये तो जॉगर वाला, ये बॉय वाला हो गया सेम, तो इधर ये भी 16, इधर से वो भी 16, तो जो बॉय को लग रहा है वही बर्ड को लग रहा है। तो बर्ड ये कहेगी मेरे को तो लग रहा है मैं रेस्ट पे हूं और ट्री पीछे छूटता जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 16, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी उसको क्या लगेगी? 16, लेकिन माइनस पीछे जा रहा है ट्री। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, नेक्स्ट। अब जब बर्ड के वाई आंसर दे रहे हैं, तो बर्ड की कौन सी वेलोसिटी लेनी है? वाई। और ट्री की भी कौन सी वेलोसिटी? वाई। ट्री की तो बेचारा कोई वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे है, हमें लगता है रेस्ट पे है। बर्ड उड़ रही है, ऊपर जा रही है 12, नहीं बर्ड नहीं उड़ रही, बर्ड से पूछो तो उड़ रही है, वो कहे कि मैं नहीं उड़ रही, मुझे लग रहा है ट्री नीचे छूटता जा रहा है, देखो ट्री नीचे 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 जाता जा रहा है, उसको लग रहा है। अगर मैं बर्ड होता तो मुझे लगता, मैं ये नहीं कहता मैं उड़ रहा हूं ऊपर 12 से, मैं कहता मुझे लग रहा है ट्री नीचे जाता जा रहा है। हम भी जब प्लेन में बैठे होते हैं, हम ये थो ना कहते हैं हम उड़ गए, हम कहते हैं वो देखो बिल्डिंग कितनी नीचे रह गई, ऐसे ही बोलते हैं हम, बिल्डिंग नीचे रह गई और देखो कितनी नीचे दिखती, कितनी छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, ठीक उल्टा। तो हमें लगता है कि चीजें नीचे रह गई हैं, लेकिन एक्चुअल में हम मानते हैं हम रेस्ट पे हैं। तो बर्ड को भी ये लग रहा है कि मैं तो खड़ी हूं, लेकिन वो ट्री नीचे जाता जा रहा है, तो यहां पर उसको क्या लगेगा? वो ऊपर खुद 12 से जा रही है, तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप मतलब नीचे की तरफ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि ये बर्ड को क्या लगेगा? बर्ड को ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बर्ड को दो दो चीजें लगेंगी, उसको एक्स में अलग लगेगा और वाई में अलग लगेगा, तो बस कुछ ऐसे आंसर चलेगा। बट पॉइंट समझ में आया कि कैसे आंसर देना है? ठीक। सो नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम। तो प्लीज नेक्स्ट टॉपिक है, thank you.
सुनाऊं? ग्राउंड में बंदा वैसे ही बैठा है, बस वो देख रहा है हमारे, हम बैठे हैं बेसिकली, वो हम बेंच पे बैठे हैं, ग्राउंड पे बैठे हैं, ये हम हैं और ये बंदा ट्रेन के ऊपर भागता हुआ जा रहा है, चलती ट्रेन के ऊपर चल रहा है। तो रेफरेंस फ्रेम मूविंग है, रेफरेंस मतलब आप अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देंगे। वी बी बी नहीं, मैन की, बॉय की विद रिस्पेक्ट टू कार, ये विद रिस्पेक्ट टू कार है। Velocity of boy with respect to car, मतलब boy की velocity with respect to car, car को क्या लगा boy को देखते हुए, car खुद मानती है कि मैं किस पे हूं, rest पे हूं, तो car rest पे है और boy उसके ऊपर two के साथ निकल रहा है। बताता हूं ये points सब पहले clear है, obviously बोलो, वो ground पे बंदा बैठा है, वो हम है। अच्छा कुछ नहीं लग रहा यार, ये हम ही, छोड़ो अपनी फोटो नहीं बनाएंगे, आपसे पूछ लेंगे, एक ही बात है, छोड़ो। अच्छा पहले एक चीज समझ लो एक मिनट के लिए, अब सोचो आप ट्रेन के अंदर हो, ट्रेन के अंदर बिठा दो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन की छत पे ऐसे कर लो, ग्राउंड को नहीं देखना आपने यार, ग्राउंड देखोगे फिर चक्कर आ जाएंगे आपको, बस आपने ट्रेन की सिर्फ छत को देखना है, तो आपको तो रेस्ट पे लगेगी ना ट्रेन की, आपको कौन सा चल रही है, क्योंकि आप खुद उसके ऊपर खड़े हो, तो आप तो कहोगे मैं तो रेस्ट पे खड़ा हूं। अब आप ये क्लेम कर रहे हो कि मैं चलती हुई ट्रेन के ऊपर चल रहा हूं और मैं तो दो की स्पीड के साथ चल रहा हूं, लेकिन वो तो ग्राउंड वाला पूरा सीन देख रहा है और वो देख रहा है कि यार ट्रेन तो खुद पांच की स्पीड से जा रही है, और वो मैन या बॉय क्लेम कर रहा है कि मेरी स्पीड टू है। अब वो उसे बताने की कोशिश कर रहा है, यार तू तो बहुत फास्ट निकल गया, वो कह रहा है मैं कब फास्ट निकला, मैं तो सिर्फ टू की वेलोसिटी से चल रहा हूं, क्योंकि जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है वो दो चीजों की मोशन देख रहा है, वो ट्रेन को भी देख रहा है और वो बॉय को भी देख रहा है, बॉय सिर्फ किसको देख रहा है, ट्रेन को, और ट्रेन उसके लिए किस पे है एट, तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू कार, या ट्रेन कार है जो भी है, ये ट्रेन या कार जो भी बोलना है। बताता हूँ एक मिनट, क्या ये बात समझ में आई पहले, अच्छा ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, वी सी दी है, वी बी सी दिया, तो बचा गया वी बी, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बॉय निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस यही क्वेश्चन है, तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉय, जब मैं बोलता हूं सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बॉय, इसका मतलब अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, जो ग्राउंड पे बंदा है उसको क्या लगा। अच्छा ये बताओ वी बी सी होता क्या है, वी बी माइनस वी सी, वी रिलेटिव वेलोसिटी ही होती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का यही तरीका है कि इसको हम किस पे मानते हैं, रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी में से इसको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट, तो अपने आप ये बॉडी रेस्ट पे आ गई, ठीक। अच्छा ये एक ही लाइन में सब कुछ, तो एंगल तो बनेगा नहीं, इसमें जीरो डिग्री बन रहे हैं, तो वी बी सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, टू के, वी बी की वैल्यू मुझे, अच्छा एक मिनट, वी बी की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, वी बी की वैल्यू इज इक्वल टू वी बी सी प्लस वी सी, राइट, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो रीअरेंजमेंट किया है। अच्छा ये वी बी वेक्टर समय इन दोनों का, VBC की डायरेक्शन का है टुवर्ड्स राइट, VC की डायरेक्शन का है टुवर्ड्स राइट, तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, VB अंडर रूट ऑफ VBC का स्क्वायर VC का स्क्वायर 2 VBC VC cos ऑफ कितना 0, तो अल्टीमेटली ये सॉल्व करके क्या आएगा, VBC प्लस VC का होल स्क्वायर, दैट इज VBC प्लस VC, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इस केस में VB वैल्यू वी बी सी प्लस वी सी, ये क्या होता है, सेम आ गया, ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल सबके बीच में जीरो है, तो वेक्टर का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली, तो आप सीधा भी लिख सकते हो इसे, पॉइंट समझ में, फिर भी मैं वेक्टर से करके दिखाया है, पर आप सीधा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, तो वी बी की वैल्यू क्या आएगी, वी बी सी कितना है
टू, वीसी कितने हैं? फाइव, तो आंसर क्या आएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ग्राउंड पे बंदा जो बैठा है, सॉरी हाँ ठीक है, फिर उसको लगेगा कि वो मैन की स्पीड कितनी है? सेवन, लेकिन मैन को लगता है कि मेरी स्पीड कितनी है? टू। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? बस एक ही रूल है, जो पीछे की टर्म है ये सी, ये किस पे रहेगी? एट रेस्ट। बस ये समझ में आ गया तो समझो गेम समझ में आ गई। कोई डाउट इसमें? ठीक है, बढ़िया लगी रिलेटिव वेलोसिटी? ठीक है, रेन एंड मैन तो इंटरेस्टिंग ही है, वो बोल के गया था ना पिछले लेक्चर में विक्रम, रिलेटिव वेलोसिटी में लगता है थोड़ा थोड़ा, आई कैप जे कैप भी नहीं लगता। ठीक है, वो वेक्टर अलजेब्रा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी सी ट्रिकी है, बट अच्छी बात यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी एज सच क्वेश्चन में नहीं आती। आप ये सोचोगे स्कूल में आएगी, नहीं पूछेगा कोई, कोई टेंशन नहीं। पेपर में आएगी डायरेक्टली? पेपर में नहीं आएगी डायरेक्टली, ये तो अब फोर्स में मिलेगी आपको सीधा एक महीने बाद, जब आप करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होगा क्या, एक हेमिस्फेयर गिवन होगा, ऊपर एक बॉल गिवन होगी, आप खुद बैठे हैं मान लो एक बड़े से हेमिस्फेयर पे, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, आप फिसलते हैं, हेमिस्फेयर पीछे हो जाता है। बच्चे स्लाइड खेलते हैं, वो स्लाइड्स वो नीचे झूलते हैं और स्लाइड प्लास्टिक की है, वो पीछे आ जाती है। अब गोली चलाते हो, बुलेट पीछे आ जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1v1 is m2v2, ऐसे करते हो, सुना हुआ है m1v1 m2v2, सुना हुआ है। अब प्रॉब्लम कहां आ जाएगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बचपन में करके आए हो m1v1 m2v2, प्रॉब्लम ही आएगी, वो कहेगा गोली की स्पीड 2 नहीं है, गोली की स्पीड है जो गिवन है वो 2 विद रिस्पेक्ट टू चलती हुई गन, क्योंकि गन भी पीछे गई थी। अब आ जाएगी रिलेटिव, फिर वहां से निकालनी पड़ेगी गोली की एक्चुअल वेलोसिटी। ये याद दिलाऊंगा, हमने कभी रिलेटिव वेलोसिटी की थी एक महीने बाद, करके दिखाऊंगा, उस टाइम रिवाइज भी करवाऊंगा, बट अभी करने को नहीं दे रहा है ऐसे क्वेश्चन, चिंता ना करना। बट मैं ये बता रहा हूं कि कहां इसकी एप्लीकेशंस हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक आर्मी मैन है, उसने क्या किया, जो है वो क्या, तो क्या टैंक से वो गोला फेंका। अब होगा क्या, वो एकदम जब निकलता है या बुलेट निकलेगी एक बहुत बड़ी, तो बहुत जोर के पीछे की टैंक पीछे आएगा। अब वो जो बुलेट निकली उसकी वेलोसिटी दी होती तो बात अलग थी, उसकी वेलोसिटी देगा विद रिस्पेक्ट टू पीछे होता हुआ टैंक। अब आपको बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या गिवन होगी? टैंक, जिसको आप उस दिन लिखोगे जब हम करेंगे वीवी माइनस, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी अकेली? बुलेट की वेलोसिटी। तो इस टर्म को कहां लेके जाएंगे? हाँ, ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी जहां मैं इसको यूज करवाऊंगा। ठीक, तो ऐसी प्रॉब्लम टिपिकल नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस ये कैलकुलस वाला हाल है, जितना स्ट्रॉन्ग कैलकुलस है उतना बढ़िया मोशन है, जितना स्ट्रॉन्ग वेक्टर है उतना बढ़िया फोर्स और मोमेंटम है, बात ही खत्म है। ठीक है यहां तक? तो प्रैक्टिस करवाने को 10 क्वेश्चन करवा दो, 20 करवा दो, 25, लिमिट तो है ही नहीं इसी चीज की। मेरी कोशिश होती है बेस बन रहा है, तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन होते जाएंगे उतना ही ज्यादा आगे हमें ईजी होता जाएगा। आज परेशान हो जाएंगे, 2 महीने बाद ठीक ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं तो फिर उस दिन परेशान होंगे कि कैसे आ गया ये, कैसे कर, हर क्वेश्चन में वो रोना धोना लगा रहेगा, सर ये वीबीसी का मतलब क्या होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी क्यों ले ली, आपको पता लगेगा कि हाँ हमने किया हुआ रिलेटिव वेलोसिटी। मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर कोई अगर दे तो मैं मान जाऊं कि रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। 2 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, तीन एलिफेंट्स हैं, ए बी और इसकी टांगे हैं और ये ट्रंक है, सी जैसा भी होना ठीक है। तीन एलिफेंट्स हैं, तीनों लाइन में जा रहे हैं। सपोज जो ए एलिफेंट है इसकी स्पीड वी ए इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, राइट टुवर्ड्स राइट।
मैंने पीछे कुछ नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं लिखा तो ग्राउंड, तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, रिलेटिव नहीं है। सी की वेलोसिटी गिवन 10 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, और जब मैंने ये सीन देखा तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, डी, डी एन टी बनाओ। ओके तो क्वेश्चन देखें क्या है। ओके क्वेश्चन इज, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं प्लीज सारे, ये अपनी एक्सेलेरेशन नहीं है इनमें, और एलिफेंट भी क्या एक्सेलेरेट करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। गिवन है व्हेन बी कैचेस सी, चलो बी की स्पीड पक्की बात है सी से तो बड़ी ही होगी तभी बी सी को ओवरटेक करेगा। When B catches C, the separation between A and C, the separation between A and C becomes, when B catches C, the separation between A and C becomes 3D. 3 टाइम्स डिस्टेंस d, अभी 2d है और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा 3d। व्हेन b कैचेस c द सेपरेशन बिटवीन a एंड c बिकम्स 3d, फाइंड स्पीड ऑफ b। तो फाइंड स्पीड ऑफ b, हाँ ये बात पक्की है कि 10 से बड़ी होएगी, बस ये निकालना है आपको।
कितना? देखो प्लीज, इसको प्लीज कुछ नहीं करना, बस एक चीज ध्यान से देखनी है, एक चीज बहुत ध्यान से, ठीक है? ये एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा अगर बहुत ध्यान से देखोगे कि माइनस करना है प्लस करना है, सब कहानी क्लियर हो जाएगी। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बी और सी के बीच में इक्वेशन बनाते हैं, एलिफेंट बी एंड सी को देखते हैं। बस मुझे ये बताओ कितने टाइम के अंदर बी ने सी को ओवरटेक किया, बस। अच्छा, उसके लिए ये बताओ कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, डी था, राइट? समझते हो इस बात को? ये बताओ कि सी भी चल रहा है और बी भी चल रहे, तो क्वेश्चन में दोनों की वेलोसिटीज आएंगी ना, एक ही तो नहीं आएगी, दोनों की वेलोसिटीज मैटर करती है। अब क्वेश्चन ये है कि माइनस करूं कि प्लस करूं, ये कंफ्यूजन है। हम एक काम करते हैं, मान लो कि सी एलिफेंट रेस्ट पे है, चलो मान लो सी किस पे मानना है, वैसे एक्चुअल में 10 से चल रहा है, मान लो सी रेस्ट पे है और बी उसकी तरफ आ रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि क्योंकि वो रेस्ट पे है और बी उसकी तरफ आ रहा है, तो हम इस वेलोसिटी को लिखेंगे क्या, वी बी सी, वी बी सी का मतलब ये मान रहे हैं कि सी किस पे है, एट, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यानी कि बी ने ही वो डी डिस्टेंस को कवर कर दिया, अगर सी रेस्ट पे है तो डी डिस्टेंस इनके बीच में दूरी किसने कवर की, बी ने कवर कर दी, और कितनी वेलोसिटी से कवर की, वी बी सी से कवर की। अब मैं वी बी नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिस्टेंस डी जो है वो बी ने कवर किया अपनी वेलोसिटी वी बी के साथ, क्यों? क्योंकि सी एक्चुअल में तो मोशन में है ना, हम मान रहे हैं कि वो किस पे है, एट रेस्ट पे है, तो सी एलिफेंट को तो ये लग रहा है कि मैं तो खड़ा हूं लेकिन बी मेरे पास आ रहा है, और किस वेलोसिटी के साथ, वी बी सी, और वी बी सी होता क्या है, वी बी वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर, राइट? तो वी ऑफ बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी बी की वैल्यू वी बी और वी सी की वैल्यू कितनी है इसमें, 10। इसमें ना वो करने की जरूरत नहीं है, वो वेक्टर सम पैरेललोग्राम करने तो कर भी लो। ये देखो वी बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, वी बी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर माइनस वी बी वी सी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सारे राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वी बी सी का जो वेक्टर सम आएगा वी बी माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर वही आएगा जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, ये रहा, ठीक? वैल्यूज भी पुट कर दो, एक ही बात है, एंगल सम में जीरो तो है,
क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्या किया, मतलब मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, और रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा इसका। तो ये बताओ कि इसमें वी बी सी, यानी कि वी बी सी का मतलब सी क्या मान रहा है, मैं किस पे हूं, एट रेस्ट। उसको लग रहा है कि बी उसके पास आ रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, वी वी माइनस टेन के साथ। तो ये बताओ कि टाइम टेकन टू ओवरटेक, बी ने जब सी को ओवरटेक किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, डी। मान लो सी किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट, तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डी, और कितनी वेलोसिटी के साथ, वी ऑफ बी सी, क्योंकि सी मान रहे हैं रेस्ट पे और बी अकेला मूव करता हुआ आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी बी सी। ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डी, और सी किस पे, एट रेस्ट, और कितनी वेलोसिटी के साथ, वी बी सी, क्योंकि जब मैंने वी बी सी लिख दिया तो सी किस पे रहेगा, एट रेस्ट। तो टाइम टेकन क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय वी बी माइनस वी सी, कितने है, 10। वैल्यू पुट कर ली, तो इतने टाइम में जो बी है वो क्या करेगा, उसे ओवरटेक करेगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया, राइट? समझ में आया कैसे किया, कुछ याद नहीं किया पर सिंपल कर लिया इसमें। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो, मोशन इन वांडी में गलती से क्वेश्चन डल गया था मुझसे, ट्रेन वाला साइक्लिस्ट को ओवरटेक करता है, तो मैंने याद करवाया था एक काम करो दोनों वेलोसिटी को माइनस कर देना, टाइम निकालो ओवरटेकिंग का। तो आपने कहा था डिस्टेंस ऑफ ट्रेन अब दोनों की वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन। वो इतनी बड़ी कहानी थी आपको अंदाजा भी नहीं होगा, मैं खुद फंस गया था, मैं उसको कैसे समझाऊं कि वो उसने ओवरटेकिंग के केस में क्या कर रहा है। तभी मैंने उस दिन कहा था दोनों को माइनस कर दो, वो एक्चुअली टेक्निक गलत थी। एक्चुअल में टेक्निक क्या होगी, हम ये मानते हैं कि सी किस पे है, एट रेस्ट, और बी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? टाइम आ गया, अच्छा फिर से देखते हैं एक बार, चलो फिर देखते हैं। इस बार एलिफेंट ए और सी के बीच में बनाएंगे, एलिफेंट ए और सी का मतलब कि अब हुआ क्या, जब बी ने सी को ओवरटेक किया तो कितने टाइम में ओवरटेक किया, इन टाइम टी में किया। उस टाइम पे जब ओवरटेकिंग हो रही थी तो ए और सी में दूरी कितनी हो गई, 3d, पहले कितनी थी, 2d, 2d तो दिख रही है, और थोड़ी देर में ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3d, मानते हो इस चीज को। अब एलिफेंट सी से जाके पूछो कि तेरे को क्या लगता है यार ए के बारे में, वो कह रहा है ऐसा है कि जब बी ओवरटेक कर रहा है ना तो मुझे लगता है कि मैं तो रेस्ट पे ही हूं, मैं तो पहले भी रेस्ट पे था, मैं तो अब भी रेस्ट पे हूं, क्योंकि जब सी से पूछा जाएगा वो हमेशा किस पे कहेगा, मैं किस पे हूं, रेस्ट पे हूं। उसको लगता है बस बी और ए ही मूव कर रहे हैं, मैं खुद खड़ा हूं। तो वो ये कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये एलिफेंट 2D पे था, अब मुझे लग रहा है कि एलिफेंट 3D पे चला गया। सही लग रहा है, यही क्वेश्चन में गिवन है। तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो खड़ा हूं, फिर अच्छा भला 2D पे था, डी डिस्टेंस पीछे कैसे चला गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छा भला 2D पे था, अब डी डिस्टेंस पीछे कैसे चला गया, अब नया डिस्टेंस कितना है, 3D, पहले कितना था, 2D। तो सी एलिफेंट के हिसाब से तो ए ने सिर्फ डी ही डिस्टेंस कवर किया है, सी एलिफेंट के हिसाब से ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ डी। नहीं समझ में आया, ओके फिर समझो। ये मैं सपोज एलिफेंट सी, मैं रेस्ट पे हूं, ये एलिफेंट ए, वो रहा, मैंने उसको भी देखा, ठीक है, मैंने कहा 2D डिस्टेंस मारे, ठीक है डन। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर देखा कि यार बी ओवरटेक सा कर रहा है मेरे को, बी के साथ मैंने जब ए को देखा, अब मैं कह रहा हूं यार ये क्या हो गया, ये डी डिस्टेंस पीछे कैसे चला गया, पहले जो था 2D था लेकिन अब कितना डिस्टेंस हो गया, 3D। पर बोलने को तो ये होगा ना कि मेरे हिसाब से ये डी डिस्टेंस और पीछे हो गया, पहले से कितने डिस्टेंस पीछे हो गया, डी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो एलिफेंट है सी, इसने पीछे डिस्टेंस कवर कर लिया डी, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूं, मेरे को लग रहा है कि वो एलिफेंट पीछे ही रह गया बाय डिस्टेंस ऑफ डी। ये पॉइंट कैच किया, ये पॉइंट समझ में आया कैसे बोला मैंने, मैं रेस्ट पे हूं। देखो सारी गेम इसी पे है कि मैं रेस्ट पे हूं, जबकि एक्चुअल में मैं चलता हूं, पर मैं रेस्ट पे हूं, मुझे लगता है कि बी मेरे को ओवरटेक करता है, तो बी ने ही सारा डिस्टेंस डी कवर किया, इसलिए मैंने वी बी सी ले लिया। मेरे को लगता है कि मैं रेस्ट पे हूं, और कोई कहे कि सर आपको सी की वेलोसिटी क्या लगती है, तो मैं कहूंगा देखो क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि मैं रेस्ट पे हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी का सिंबल क्या होगा, वी ए सी, क्योंकि सेकेंड वाली बॉडी किस पे मानी जाती है, एट, तो मैं तो रेस्ट पे हूं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ए एलिफेंट जो है
वो मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ एसी, तो वी एसी की वैल्यू क्या होगी, वी ए कितना है 5 माइनस वी सी कितना है 10, तो क्या आएगा माइनस। तो मेरे को ऐसा लगता है सी एलिफेंट को कि ए की स्पीड, ए की जो स्पीड है वो प्लस 5 नहीं है, ए की स्पीड माइनस 5 है। अब माइनस का मतलब क्या है, आगे नहीं आना, कहां चले जाना पीछे। मुझे लग रहा है कि ए एलिफेंट तो पीछे चला गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5, क्योंकि मैं किस पे हूं एट रेस्ट, और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया अब डी, 3d माइनस 2d इज टी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब ए और सी एलिफेंट के लिए, ए और सी एलिफेंट के लिए डिस्टेंस कितने है डी। सी एलिफेंट कभी नहीं कहेगा कि 3d डिस्टेंस है, क्योंकि 2d तो पहले डिस्टेंस था, अब नया डिस्टेंस चेंज कितना हो गया डी। तो सी को लगेगा कि ए एलिफेंट और पीछे चला गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी, और कितनी वेलोसिटी से वी ऑफ ए सी, क्योंकि डी डिस्टेंस का मतलब सी किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट, और ए पीछे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी ए सी, और कितने टाइम में टी, और उतना टाइम जितने में बी ने सी को क्या किया था ओवरटेक, उतनी देर में वो डी डिस्टेंस पीछे चला गया। तो डी इज इक्वल टू वी ए सी का मतलब क्या है 5, देखो मैग्नीट्यूड है, डी भी पीछे है 5 भी पीछे है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड पुट करेंगे इन टू टाइम कितना है इसमें डी डिवाइडेड बाई वी बी माइनस कितना 10, ठीक। तो डी से डी क्या हो गया कैंसल, वी बी की वैल्यू कितनी आ गई 15, आंसर बी एलिफेंट का आंसर आ गया। वी बी सी का टाइम निकाला, एक ही बात है बी ने सी को ओवरटेक किया, ऐसे कैसे इक्वल कर दिया, तुम्हें क्या पता कि इसने इसको ओवरटेक किया, और इसका इसने इसको ओवरटेक कब किया, इसने ये तो इसको ओवरटेक करेगा ही नहीं, वो तो 15 की स्पीड से चल रहा है। वो पता है क्यों आंसर आ गया, वो पता है क्यों आया, क्योंकि डी तुमने सेम कर दिया, डी डी कैंसिल हो गया तुम्हारा भी। पूछो पूछो कुछ पॉइंट समझ में आया। ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम सबसे टिपिकल प्रॉब्लम होती है रिलेटिव वेलोसिटी की, और बहुत सही है, मैं आपको बता रहा हूं ओवरटेकिंग प्रॉब्लम 2 मिनट की प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं ओवरटेकिंग, अच्छा लिख लो लिख लो। अगर 3 एलिफेंट ठीक है, तीनों ऐसे हैं चलने दो, तीनों के बीच हमने रैम का करना, हमने तो देखना है तीनों वेक्टर इस तरफ है, तो एंगल बिटवीन ऑल आर जीरो अगेन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
ये पूछ रहा है कि यहाँ पर माइनस आया था आपने प्लस फाइव क्यों पुट किया, क्योंकि सी एलिफेंट को लगता है कि ए कहाँ जा रहा है, पीछे, तो डिस्टेंस डी पीछे, पांच वेलोसिटी पीछे, माइनस माइनस लगाएगा दोनों में लगा, फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बात खत्म। तो मैंने पुट्टी नहीं किया, एक ही बात है, पीछे पीछे के दोनों केस सॉल्व कर दिए। अच्छा नॉर्मल प्रॉब्लम एलिफेंट पे तो आती नहीं, नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वो तो कार ओवरटेकिंग की आती है। हम हाईवे पे जा रहे हैं, ध्यान से, हम हाईवे पे जा रहे, ये ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम और ऐसी वेलोसिटी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम हाईवे पे जा रहे हैं, ये हमारी कार है ए, ध्यान से प्लीज, ये हमारी कार है सी, ए की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से। तो ये ट्रेन ले लेते हैं चलो, और ये साइक्लिस्ट लेते हैं, सेम प्रॉब्लम लेते हैं, ट्रेन और साइक्लिस्ट। तो इनके बीच में डिस्टेंस मान लो 110 मीटर है, तो बताओ ट्रेन कितनी देर में साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगी। अब मुझे पहले ये बताओ, ट्रेन साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगी, कितना आसान होता कि साइक्लिस्ट अगर किस पे होता है एट, तो बोलो आंसर क्या होता अगर रेस्ट पे होता, तो 110 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, डन, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन उसमें कितनी थी फिर 10। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर ये चल भी पड़ता है साइक्लिस्ट, ये लो विद अ वेलोसिटी ऑफ 2, तो चेंज क्या है? कुछ भी नहीं, आप साइक्लिस्ट को रेस्ट भी कर लो, साइक्लिस्ट को रेस्ट का मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू, अब जब ऐसे करते हैं तो साइक्लिस्ट ऑटोमेटिकली किस पे हो जाता है एट, ज्यादा आसान लग रहा है एलिफेंट से, रेस्ट पे कर दिया इसे, तो इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। अच्छा टी इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे, वी टी माइनस, तो 110 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है 10 में से क्या गया, तो ये मैंने याद करवाया था मोशन वनडी में, अगर साइक्लिस्ट और ट्रेन सेम डायरेक्शन में, दोनों वेलोसिटीज को माइनस कर लेना। आप समझ में आया उसका आंसर कैसे आया, समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें, मुझे पूछो पूछो पूछो, प्लस माइनस का चक्कर है अभी भी, प्लस माइनस का कि प्लस या माइनस कैसे करना है, ये समझ में आता है सिंबल, ये नहीं आता। अच्छा वीटीसी, इसका मतलब ये रेस्ट पे, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर फॉर्म में, ये होती है। अच्छा तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम निकाल लें तो ये समझ में आता है कि माइनस ही होगा, प्लस नहीं हो सकता रिलेटिव वेलोसिटी में, ये समझ में आता है। फिर ये समझ में आता है कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में वी टी स्क्वायर वी सी स्क्वायर माइनस टू वी टी वी सी बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, जब सॉल्व करेंगे तो वी टी माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, वी टी माइनस, पुट कर लिया आंसर। अच्छा अब मैं इसका और बताता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा माइनस चलेगा, प्लस चलता ही नहीं, ले और भी कर ले, प्लस का सोचना ही नहीं, वी ऑफ ए बी वी ए माइनस वी बी होता है, प्लस होता ही नहीं है, बातें खत्म होगी अब तो, यहां तक क्लियर है। कुछ और पूछना है इसमें, कोई एक केस बना के दो, या तो मैं उसमें करके दिखाता हूं आपको, वो ट्रॉली वो ट्रेन वाला प्रॉब्लम कंफ्यूज कर गया, ट्रेन के ऊपर मैन चल रहा था वो प्लस करते थे उसमें, कोई एग्जांपल सोच के रखो जो पूछना है, मैं थोड़ी देर में फिर क्लियर करता हूं, ठीक, कुछ भी सोच के रखो कि ये जो आज के लेक्चर में इसको मार्क कर लो, अभी जाते हुए करता हूं, बाकियों क्लियर है, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव शीट पे ऑब्जेक्टिव शीट पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12 कर रहे थे शायद हम, हाँ ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12,
चलो उसके पहले एक और एग्जांपल याद आया, एक मोशन के अंदर एक और आएगा मेरे ख्याल से वेक्टर में, इसका आंसर देना। एक एक मैन एस्केलेटर सिस्टम, वो लांटे में लगा हुआ है, बस खड़ जाते हैं हम अपने आप आगे चल पड़ते हैं। अगर ये एस्केलेटर ना चलाओ, रेस्ट पे है, सिंपल फ्लोर है फिर तो, और मान लो एक मैन ट्रेवल करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगी वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। और मान लो ये एस्केलेटर का डिस्टेंस 110 मीटर है, राइट, तो ये कितनी देर में इसको कवर करेगा, 110 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, डन, एस्केलेटर तो चल नहीं रहा, बंद है, तो आंसर आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 10, डन। अच्छा, अब मान लो एस्केलेटर चल रहा है, ये लो, ये मान लो जो है ये चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ VL, ठीक है, और ये बॉय भी चल रहा है या मैन भी चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ VM, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे एक चीज बताओ कि चलते हुए एस्केलेटर के ऊपर आप चल रहे हो तो आपको लगता नहीं कि आप 110 मीटर डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर जाओगे, एयरपोर्ट पे लगे होते हैं आप, वो भी चल रहे हैं, आप भी चल पड़ते हो, फटाफट पहुंच जाते हो, ऐसे होता है। तो मुझे ये बताओ कि कितने टाइम में कवर करोगे 110 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ क्या, चलना किसने है, मैन ने। अब हम ये मान लेते हैं कि एस्केलेटर यहां चल रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि वो किस पे पड़ा हुआ है, एट, तो पीछे क्या लगेगा, L। तो L लगने का मतलब कि इट मींस कि एस्केलेटर किस पे है, एट रेस्ट, राइट, यहां तक क्लियर है। तो लेकिन हम इसको लिखते क्या है, VML को VM माइनस, देखो ये तो माइनस में आएगा ना, तो 110 डिवाइडेड बाय मैन की वेलोसिटी 10 में से इसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या करेंगे, 2 माइनस आंसर, टाइम आ गया, इतनी देर में वो कवर कर जाएगा टाइम। और वैसे भी डिनोमिनेटर जो है इसमें चेंज हो रहा है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें माइनस, ये ठीक किया मैंने, नहीं मुझे लगता मैंने गलत किया इसमें, आई एम सॉरी, मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं एक बार प्लीज़ फिर से चेंज करता हूँ। मैंने इसमें क्या मान लिया कि वो मैन जो है वो कैसे मूव कर रहा है, टूवर्ड्स राइट, राइट, और जो एस्केलेटर है वो भी कैसे मूव कर रहा है, टूवर्ड्स राइट। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें मैंने भी गलती कर दी, एक बार फिर से देखते हैं, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, प्लीज़ ये लो, ठीक है। अब VML का मतलब क्या होता है, VM माइनस VL, राइट। मैंने क्या गलती की, मैंने इसमें ना वेलोसिटी ऑफ मैन निकाली विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। अब जबकि हम अपने क्वेश्चंस जितने भी सॉल्व करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। अभी जितनी प्रॉब्लम थी, ट्रेन जा रही है, साइक्लिस्ट को ओवरटेक करना है, ऐसी था, हमने क्या निकाला, ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, ऐसी किया हमने। ये प्रॉब्लम वैसी नहीं है, ये प्रॉब्लम वैसी नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रेन अलग जा रही है, साइक्लिस्ट अलग जा रहा है, ये तो नहीं हो रहा कि ट्रेन की वेलोसिटी को साइक्लिस्ट अफेक्ट कर रहे, चेंज तो नहीं कर रहा था, साइक्लिस्ट अपना जा रहा, ट्रेन अपनी जा रही है। हम कहते हैं ठीक है, साइकिल रुका होता बड़ी अच्छी बात है, तो हम क्या करते, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, उनको माइनस कर लेते, हमारा आंसर आता था, ऐसी था। इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में मैंने ये गलती की कि मैंने ये मान लिया कि एस्केलेटर रेस्ट पे है, और ये क्योंकि मूविंग फ्रेम है, ये मैंने अभी टॉपिक करवाया था कि वो रेफरेंस फ्रेम वाला, एक रेफरेंस फ्रेम मूविंग होता है जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होता, तो कि क्योंकि इसमें ग्राउंड खुद चल पड़ा, तो ये तो मुझे फायदा हो गया। तो वो क्वेश्चन हो गया कि एक रिवर जा रही थी आगे की तरफ और मैं भी बोट में बैठ गया, रिवर की स्पीड है 10, मेरी स्पीड है 2, तो मेरी बोट की स्पीड कितनी हो गई, 12। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो मैंने यहां पर यह गलती की कि जब फ्रेम्स चलते हैं और चलते हुए फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन आता है, चलते हुए फ्रेम समझते हो कि फ्लोर चल रहा है, ट्रेन चल रही है, कार चल रही है और आप उसके ऊपर चल रहे हो, कि वही क्वेश्चन है, लिफ्ट या एस्केलेटर चल रहा है, आप उसके ऊपर चल रहे हो, ये वो वाली कैटेगरी है, ये नॉर्मल कैटेगरी है जिसमें ट्रेन लग जा रही है और साइक्लिस्ट अलग जा रहा है, बहुत बारीक डिफरेंस है, तभी प्लस और माइनस की कंफ्यूजन है। मेरा पॉइंट समझ में आया? फिर मैंने क्या समझाया, मैं दो कैटेगरीज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर से सुन लो,
प्लीज जतिन, जतिन बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सीरियस टॉपिक है। दो टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, चलो मैं पूरी कहानी को दो लाइन में इसको खत्म करता हूं, कब प्लस कब माइनस, बात ही खत्म हो गई। दो टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, पहला न्यूमेरिकल जिसके अंदर ट्रेन अलग जा रही है, साइकिलिस्ट अलग जा रहा है, मैन अलग जा रहा है, बर्ड अलग जा रहा है, मैन अलग है, वो बॉय अलग है, ट्री अलग है, राइट। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम जिसके अंदर क्या होगा, ट्रेन चल रही है और चलती हुई ट्रेन के ऊपर मैन चल रहा है। देखो फर्क है, ये अलग चल रहा है ग्राउंड पे, ये अलग चल रहा है ग्राउंड पे, ग्राउंड किस पे है, एट रेस्ट, ठीक। तो याद रखना इन प्रॉब्लम में मैं लिख देता हूं, ग्राउंड किस पे है, एट रेस्ट। इन प्रॉब्लम में ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है, और क्या है ग्राउंड, ट्रेन, कार या जो भी बॉडी है, जैसे एस्केलेटर, राइट। तो जिन पे तो ग्राउंड रेस्ट पे है और अलग अलग बॉडी चल रही है ग्राउंड पे, उनके अंदर तो हम ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू सी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, वी टी माइनस वी सी माइनस करेंगे, डन। लेकिन जिन पे ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है और मैन खुद जा रहा है इसके ऊपर, तो उनमें इन दोनों वेलोसिटीज को क्या कर देंगे, प्लस। हम मन में रख लेंगे जैसे पानी चल रहा है, पानी के ऊपर बोट चल रही है, तो बोट की स्पीड पानी की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, डाउन स्ट्रीम वाला एग्जाम्पल। तो उस केस में फिर मैन की स्पीड जो होगी, मैन की स्पीड है और जो जो एस्केलेटर की स्पीड है, वो दोनों माइनस नहीं होंगी, सॉरी वो दोनों प्लस होंगी। तो मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। यहाँ कन्फ्यूजन थी, अब समझ में आया, ये पॉइंट मैं ही नहीं कैच कर पाया उल्टा, जब उसने पूछा कि प्लस कब माइनस कब, तो मैंने अब ये समझ में आ रहा है कि माइनस मतलब दो अलग अलग बॉडीज ग्राउंड पे चल रही हैं, फिर तो माइनस है, फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी है, हम एक को रोक लेंगे दूसरे को पास करेंगे, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन जिस पे ग्राउंड ही चलता जा रहा है और मैन भी उसके ऊपर चलता जा रहा है, फिर तो यार ग्राउंड की स्पीड उसको मिली जाएगी, मैन की अपनी स्पीड तो है ही है, दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो इसका आंसर प्लीज ऐसे करना पड़ेगा आपको, नीचे प्लस आएगा बीच में माइनस नहीं आएगा प्लीज। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा क्लियर हो गया, मतलब केस ही क्लियर कर दिया आपने, जिनमें ग्राउंड चल रहा है जिनमें ग्राउंड नहीं चल रहा, ग्राउंड नहीं चल रहा माइनस है, ग्राउंड चल रहा है तो प्लस है, ठीक ठीक है। कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 12, हम यही कर रहे थे शायद, नहीं हमारी तो 11 भी पेंडिंग थी, बोलो अब मर्जी आपकी, मन की इच्छा। ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, बस एक साल बाद आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा था, भूल जाओगे, वैसे मैं कहता हूँ छुट्टियों के बाद ही भूल जाओगे। बहुत मैं बता रहा हूँ,
ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 11 पे थे ना हम। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 देखो, 11 कितने क्वेश्चन कर लिए थे, बस पूरी शीट पड़ी है। लो फिर अभी खत्म करते हैं। 11 शीट देखो, देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों ने किया और नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखो वो कह रहा है बहुत सारी चार फोर्सेस एक बॉडी पे ऐड कर रही हैं, तो टोटल फोर्स क्या होगी, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड F4 वेक्टर। जब हम इन्हें ऐड करेंगे I को I में, J को J में, K को K में, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ रहा होगा। चार फोर्सेस गिवन है ना क्वेश्चन में, ऐड कर दो, ये नहीं आ रहा, चलो 5 लगाते हो, 5 लगा लो। जे के तो आ रहा है, जे का मतलब क्या होता है और के का मतलब क्या होता है, कौन सा प्लेन आ गया, वाई जेड प्लेन। तो नेट फोर्स किस प्लेन में आएगी, वाई जेड प्लेन, क्या मार्क करेंगे, वाई जेड प्लेन। उसने पूछा जो नई फोर्स आएगी, नेट फोर्स आएगी, रिजल्टेंट फोर्स आएगी, उसका प्लेन बताओ क्या आएगा, वाई जेड प्लेन। क्या हो गया ब्रो, नंबर में ना जाओ, ये 4 है कि 5 है, उसने नहीं पूछा वैल्यू बताओ, उसने कहा प्लेन बताओ, जे और के में तो आ रहा है तो बस वाई जेड प्लेन है, खत्म कहानी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कुछ भी नहीं करना, ऐड करना है। F1 वेक्टर की आई कैप 5, आई कैप में 2 आई कैप ऐड करो 7, आई कैप में से -6 आई कैप माइनस करो आई कैप, फिर माइनस आई कैप नेट 0। ऐसी जे को जे में, के को के में ऐड करो। वहां का लेक्चर बंद करो पहले, पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन यहां तक। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ कितने लोगों को डाउट है, हो गया आंसर नहीं आ रहा, ओके प्लीज टेंशन, क्या नाम है, निश्चय ठीक बातें करने। देखो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्स इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ये लो ये हॉरिजॉन्टल है और फोर्स की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, फोर्स की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है। इफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल, एक बात बताओ इसके दो कंपोनेंट होंगे एफ कॉस 60 एंड एफ, कह रहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है इसमें 50, तो यहां से आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, पर आपको कौन सा कंपोनेंट निकालना है वर्टिकल, तो आप एफ को यहां 100 पुट कर दो, साइन ऑफ 60, तो 100 इंटू रूट 3 बाय 2, 50 रूट 3 इज द आंसर। 50 इंटू रूट 3 करना, 50 इंटू 1.732 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो बस अप्रोक्सीमेटली मार्क कर दो, इतनी तो कोई टेंशन नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कितने लोगों को डाउट है। अच्छा देखो, अच्छा दे दिया अभी, ये देख लो फिर, ये देखो ये y है ये x है, देखो एक वेक्टर ये रहा, दिस इज u वेक्टर और दिस इज v वेक्टर। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देख के बताना, अगर आप u वेक्टर के रास्ते पे चल पड़े, ये देखो ऐसे जा रहे हो, तो ऐसे जाने का मतलब x कोऑर्डिनेट का बढ़ना, y कोऑर्डिनेट का भी बढ़ना, तो u वेक्टर किसका बना हुआ है, ए आई कैप प्लस बी, तो पक्की बात है ए इज पॉजिटिव बी इज डन, ठीक है माइनस तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चल पड़े तो x तो बढ़ता जा रहा है लेकिन y एक्सिस कम होता जा रहा है, तो v वेक्टर बना हुआ है p i कैप और q j कैप से, तो p तो रहेगा पॉजिटिव और q रहेगा, तो मार्क कर लेना ए बी ऑप्शन है, देखते ही पता लग रहा है ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में डाउट, हाँ 5 में बहुत लोगों को डाउट है, लोग बता नहीं रहे डाउट है। देखो
कितनों का हो गया फिफ्थ? ओके, देखो ध्यान से देखना, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, तो मान लो ये ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? 6। तो ठीक है, इसका कोई कंपोनेंट होगा एक्स के अलोंग, और जिसकी वैल्यू कितनी है ए ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 6, और ऐसे इसका एक कंपोनेंट होगा ए ऑफ वाई, वाई एक्सिस के अलोंग, जिसकी वैल्यू कितनी है 6। ये डायग्राम क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक। फिर वो ये कह रहा है कि इसके अंदर, इसी के अंदर एक और वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लेना, यानी कि कोई नया वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई नया कहीं भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी कोई कंपोनेंट है एक्स के अलोंग, लेकिन इसके अंदर ए भी होगा और बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। इसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू कितनी गिवन है 10, और इसका एक कंपोनेंट यहां पर भी होगा वाई बी, कितना है 9। ठीक है ना, देखो ना, जो ये वेक्टर आएगा इसमें ए भी है और बी भी है, तो ए तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा बी कंपोनेंट, और कुल मिला के कितने हैं 10 होगा, तो एक्स के ऊपर ही कंपोनेंट बनते, तो एक्स या वाई पे ही है। तो इसका वेक्टर का कंपोनेंट यहां पर है जिसमें से ए एक्स कितने हैं 6, तो माइनस करके बी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस करके 4, ऐसी बी ऑफ वाई क्या आ जाएगा यहां पर 3, राइट, 4 एंड 3। कह रहे बी वेक्टर जो होगा, फिर बताओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4² प्लस कितना 5, बस बी वेक्टर का आंसर। आपको bx by चाहिए था, आपने माइनस करके निकाल लिया, आपने माइनस करके निकाल लिया, फिर नेट वेक्टर b क्या होगा, अंडर रूट ऑफ bx² प्लस by². पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कितनों का हो गया, डाउट है? देखो 6 में द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा लिख लो पहले, कोई बात नहीं, पुराना क्वेश्चन लिख लो। देखो अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा बताओ, अगर ये आर वेक्टर है और ये थीटा है, इसका एक्स में कंपोनेंट कितना है, आर कॉस थीटा। वो कह रहे हैं जो एक्स में कंपोनेंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, मैक्सिमम तब आएगी जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की क्या होती है 1, तो थीटा कितना आएगा मार्क करो 0, यानी कि r इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ये पूरे का पूरा r, जब थीटा 0 होगा तो r वेक्टर कहां लाई करेगा, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितनों का डाउट है? ओके, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10। ये लो, ये एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है। कह रहे एक फोर्स की वैल्यू 10 है और उसने कितना एंगल बनाया इसके साथ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट, तो 10 मैग्नीट्यूड है एट एन एंगल ऑफ 30। कोई डाउट इसमें? फिर दूसरी फोर्स देखो कितना एंगल बना रही है 135 किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ 135 का मतलब ये 90 और ये 45, ये 90 और 45 135, तो ये भी वैल्यू कितनी है इसमें 10। तो एक काम करें बस 45 बना लें यहां से, बस पता ही है
इसके साथ एंगल क्या बन गया 45, और इसके साथ 90 प्लस 45 135। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही बोल देता वाई के साथ 45 एक ही बात थी, पर पॉइंट समझ में आ रहा है दो फोर्सेस को कैसे ड्रॉ करना है। तो एक ने बनाया 30, एक ने बनाया 45। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है रचित। तो इसके दो कॉम्पोनेंट है, पहला कॉम्पोनेंट 10 इंटू कॉस ऑफ 30 और दूसरा कॉम्पोनेंट 10 इंटू साइन ऑफ 30। और ऐसे ये 10 का एक कॉम्पोनेंट कितना, 10 इंटू बोलो कॉस की साइन, कितने लोग बोलते हैं कॉस, कैसे डिसाइड करते हो? जिस तरफ एंगल होता है वो हमेशा, जैसे यहां एंगल है तो ये कॉस बनेगा, ये साइन बन जाएगा, यहां एंगल है तो ये कॉस बनेगा और ये साइन बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे करना डिसाइड? कोई बात नहीं, वो अलग बात है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉम्पोनेंट हमेशा कॉस होगा और परपेंडिकुलर वाला साइन। तो फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग बोलो कितनी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे वाई के अलोंग कितना, 10 इंटू साइन ऑफ 30 प्लस 10 इंटू कॉस ऑफ कितना 45। तो वाई एक्सिस में दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, तो इस केस में आप इनको भूल जाना, उसके बाद दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं इन सेम डायरेक्शन, इनको ऐड कर दें। और इस केस में दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं इन ऑपोजिट, तो ये 10 बाय रूट 2 हो जाएगा और 10 बाय इनटू कितना रूट 3 बाय 2 5 रूट 3। तो इन में से कौन बड़ा है, 5 रूट 3। तो एक्स एक्सिस में बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को आपने क्या कर देना है, माइनस। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो माइनस करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो यहां से टोटल फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ये कर लोगे सॉल्व? क्या आएगा, ए कॉस थीटा, पीछे बी कैप नहीं आएगा? नहीं आएगा, उसने क्या पूछा, मैग्नीट्यूड। तो इसमें बी कैप नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ए वेक्टर करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कि अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है और इसका अगर कॉम्पोनेंट निकालना है तो हम सिर्फ ए कॉस थीटा ही निकालेंगे। वैसे क्या होता है, ए कॉस थीटा इंटू क्या, बी कैप, क्या बताता है, डायरेक्शन। उसने क्या पूछा, इसका सिर्फ, तो बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। इसको नहीं लेंगे, बस आंसर। और ए कॉस थीटा कैसे आएगा, हाँ, डॉट प्रोडक्ट से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए बी। तो यहां से ए कॉस थीटा कैन बी कैलकुलेट, तो यहां पुट कर लेना, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इसमें, बी हो जाएगा सॉल्व, तो पुट कर देंगे आंसर इसमें। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, किसी को डाउट, डाउट है, कंपोनेंट तो निकालो, ए का मैग्नीट्यूड थोड़ा निकाला है ना, हाँ जी। क्या पॉइंट क्लियर है, जो 9th क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के अंदर बस ये याद रखना कि ए वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है, सेम क्वेश्चन है, ए वेक्टर कितना गिवन है, ए एक्स, कोई नंबर नहीं दिया, ए एक्स दे दिया, यहां पर ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर कितना गिवन है, आई कैप माइनस। तो हमने इसका कंपोनेंट इसके ऊपर निकालना है, बोलो ये ए कॉस थीटा इंटू बी कैप करें या सिर्फ ए कॉस थीटा करें, कोई कहेगा कुछ भी कर लो, बात तो एक ही है, वो वेक्टर फॉर्म आ जाएगा और वो स्केलर आएगा। ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन में आई कैप जे कैप आ रहा है, नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आई कैप जे कैप नहीं आ रहा ना, तो फिर बी कैप नहीं कैलकुलेट करेंगे, फिर से ए कॉस थीटा ही करेंगे। तो कर लो, ए कॉस थीटा कैलकुलेट करें, ए कॉस थीटा, ए वेक्टर कितना है, ए एक्स, आई कैप,
ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रूट टू. बी का मैग्नीट्यूड क्या है? रूट टू. तो इसको आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स, जे को जे के साथ ए वाई बाय रूट टू. ऐसा कुछ आंसर देख लेना, ऑप्शन नंबर सी. अगर नहीं है करेक्शन कर लो, रूट टू की फॉर्म में आंसर है. पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ये बताओ, कॉम्पोनेंट्स निकालने आ रहे हैं. बोलो सुनिधि जी, कॉम्पोनेंट्स का क्वेश्चन बोला ना चार बार आएगा जब थ्योरी करवाई थी, और मैंने चारों बार सॉल्व किया. कमाल की बात तो यही है, हर साल सॉल्व करता हूं इसलिए बोल रहा था, शायद इस बार बच जाऊं. ठीक है, कॉम्पोनेंट लोग भूल जाते हैं कैसे कैलकुलेट करना है. पॉइंट समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, ये वही है आर ए वैक्टर आर बी वैक्टर एस वैक्टर वाला, एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर वाला. मैं अपलोड करूंगा शीट, आप देख लेना. और लास्ट है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो एंगल क्या होगा? पाई 180. क्यों? ए क्रॉस बी अगर इस तरफ है तो बी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस का फर्क आएगा ही आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक.